हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है लक्ष्य। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे को आप लोगों को बताना है यहाँ पे कागज के बारे में। कागज एक मेड इन इंडिया ऐप है। आप अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हो, उसको अपने कागज के ऐप में जो है इजिली सेव कर सकते हो। आपको क्या करना है, सिंपली कागज को यहाँ पे डाउनलोड करना है, उसके बाद स्कैन पीडीएफ पे क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे आधार कार्ड है, क्लिक किया वो सेव हो जाएगा वहां पर। उसका अलग से एक फोल्डर भी बना सकते हो, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के नाम से जो आप फोल्डर को सेव भी कर सकते हो। बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे जो है 250 MB की क्लाउड स्टोरेज भी मिलती है। और अगर क्लाउड स्टोरेज को इंक्रीज करना हो तो बस कुछ नहीं करना, अपने फ्रेंड को जो है रेफर करना है कागज के लिए, वो कागज का ऐप डाउनलोड होगा और उसके बाद आपको जो है एक्स्ट्रा स्टोरेज यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। एक और चीज, आपको कागज में यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप की पीडीएफ टूल भी देखने के लिए मिलते हैं। जैसे आप पीडीएफ को जो है यहाँ पे एडिट कर सकते हो, यहाँ पे आप मर्ज कर सकते हो, फाइल को कंप्रेस कर सकते हो। यूजुअली हम लोगों को गूगल पे जाकर डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज करने पड़ते हैं, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको कागज को डाउनलोड करना है। सारी चीजें आप लोगों को जो है कागज में देखने के लिए मिल जाएंगी। बेस्ट मेड इन इंडिया एप्लीकेशन है यहाँ पे आपके लिए। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे। डाउनलोड करो, चेकआउट करो, यूज करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे आईफोन 11 वर्सेस आईफोन 12 वर्सेस आईफोन 13। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो गई क्योंकि ये जो प्राइसिंग निकल के आई है आईफोन 11 की, आईफोन 12 की, आईफोन 13 की, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाले क्योंकि कौन सा आईफोन परचेज करें समझ नहीं आया, क्योंकि आगे आ रही है यहाँ पे बिग बिलियन डे सेल, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल। तो आईफोन 11 वर्सेस आईफोन 12 और आईफोन 12 वर्सेस आईफोन 13 इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। एक ही वीडियो में आप लोगों के लिए बना था कि आपको जो भी कंफ्यूजन है वो एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आईफोन 11 वर्सेस आईफोन 12। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है आपके डिसीजन मेकिंग में वो है यहाँ पे प्राइसिंग। आईफोन 11 की एक्सपेक्टेड प्राइसिंग बिग बिलियन डे सेल या फिर अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में हो सकती है 40,000 रुपीज, और 40,000 रुपीज से जो है ऊपर नीचे भी हो सकती है। हो सकता है 1-2 हज़ार नीचे जाए, हो सकता है 1-2 हज़ार ऊपर जाए, मतलब 42,000 रुपीज तक भी जा सकती है, और जाने को तो है 38,000 रुपीज तक भी जा सकती है। तो बहुत अच्छी प्राइसिंग निकल जाएगी। आईफोन 11 अपने आप में जो एक बी स्मार्टफोन है। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आईफोन 11 में अगर आपको ये प्राइसिंग देखने के लिए मिलती है तो आईफोन 11 आपको 100% परचेज करना चाहिए। आप लोगों को डुअल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे एलसीडी स्क्रीन मिल रही है 6.1 इंच की, A13 बायोनिक चिप मिल रही है, गेमिंग आराम से कर सकते हो। तो 30-40 हज़ार के अंदर अगर एक अच्छा गेमिंग फ्लैगशिप आपको फोन मिल रहा है यहाँ पे तो डेफिनेटली आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग आईफोन 12 पे। तो आईफोन 12 पे जो है फ्लिपकार्ट ने यहाँ पे टीज किया 65,000 रुपीज की MRP को कट करके यहाँ पे दिखा रहा है, और पहले जो प्राइसिंग आई थी 3 दिन पहले वो 61,000 रुपीज थी। तो डेफिनेटली 61,000 रुपीज से बिल्कुल फ्लिपकार्ट जो यहाँ पे नीचे जाने वाला, और यहाँ पे 58,000 रुपीज तक जो आईफोन 12 की प्राइसिंग जाएगी। जो लोगों को लग रहा है कि भाई सपने देख रहे, तो सपना नहीं देख रहे आप लोग, यहाँ पे एक्चुअल में यही प्राइसिंग होने वाली है। क्योंकि सिंपल सी बात चल रही है कि यार बिना किसी सेल के 61,000 रुपीज प्राइसिंग है, तो सोचो एक्चुअल सेल में कितनी अच्छी प्राइसिंग होगी यहाँ पे। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे ये है कि आईफोन 11 जो है हम लोगों को 40,000 रुपीज का मिल सकता है, आईफोन 12 58,000, तो मतलब 18,000 रुपीज अप्रॉक्सीमेटली जो यहाँ पे डिफरेंस रहने वाला है। तो क्या 18,000 रुपीज हम लोगों को यहाँ पे स्पेंड करने चाहिए एक्स्ट्रा या फिर नहीं, या फिर 18,000 रुपये बचा लेने चाहिए? तो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप लोगों को 5G मिल रहा है, पहली चीज। आप लोगों को नया बॉडी, नया डिजाइन मिल रहा है। मैं चीजें रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों के लिए जो है एक रिमाइंडर बता रहा हूँ कि क्या चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है 18,000 रुपीज में। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो है इंप्रूव कैमरा देखने के लिए मिल रहा है, और साथ ही साथ आपको जो है A14 बायोनिक चिप देखने के लिए यहाँ पे मिलती है। तो क्या ये सारी चीजें काफी आप लोगों को अपग्रेड करने के लिए? तो मैं बोलूंगा कि 18,000 मेरे हिसाब से शायद जो है वर्थ नहीं रहेगा आप लोगों के लिए पे करना आईफोन 12 सीरीज के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है। और जिन लोगों के लिए 5G वगैरह भी मैटर नहीं करता, तो बेटर है आप लोग अपना पैसा बचाओ और आईफोन 11 के साथ जाओ यहां पे अगर 40,000 रुपीज प्राइसिंग आती है। एक और चीज, अगर आईफोन 12 के साथ हम लोगों को 63,000-64,000 में एयरपॉड्स फ्री देखने के लिए मिलते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि फिर आप आंख बंद करके जो है आईफोन 12 विद एयरपॉड्स परचेज कर सकते हो, क्योंकि वो एक बेटर डील होगी। आप आईफोन 11 के ऊपर 12-13 हज़ार के एयरपॉड्स खरीदने जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली जो आपकी प्राइसिंग इंक्रीज हो जाएगी। तो फिर बेटर है कि 10,000 और डाल के आईफोन 12 लो, मतलब आप जो है फ्यूचर प्रूफ हो जाओगे, यहाँ पे एडवांस फीचर्स मिलेंगे, 5G मिलेगा, तो वो आपके लिए थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। प्लस एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मिस कर गया मैं, वो है यहाँ पे सेरेमिक शील्ड। इस टाइम पे जो है फोन्स में ड्रॉप प्रोटेक्शन यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। आईफोन नहीं गिरना चाहिए भाई, बहुत मुश्किल से हम लोग परचेज करते हैं, बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है यहाँ पे आईफोन परचेज करना। तो यहाँ पे अगर प्राइसिंग आती है आईफोन 11 की 40,000, तो आपको जाना चाहिए आईफोन 11 के साथ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आईफोन 12 वर्सेस आईफोन 13। एक चीज कंफर्म कर देता हूँ, चाहे बिग बिलियन डे सेल आए, चाहे जो मर्जी सेल आए बड़ी से बड़ी, आईफोन 13 की प्राइसिंग यहाँ पे 73,990 से बिल्कुल भी कम नहीं होने वाली, 74,000 रुपीज अप्रॉक्सीमेटली जो यहाँ पे फिक्स प्राइस रहने वाला है।
आफ्टर एचडीएफसी डेबिट एंड क्रेडिट डिस्काउंट आप लोगों को जो यहाँ पे 6000 का कैशबैक देखने के लिए मिलेगा एचडीएफसी कार्ड पे। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी उम्मीद मत रखना कि आपको कोई डिस्काउंट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो 74,000 रुपीज फिक्स प्राइसिंग होने वाली है यहाँ पे आईफोन 13 की। आईफोन 12 की मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पे 58,000 रुपीज वैसे जाएगी सेल में, या फिर अगर एयरपॉड्स सही है साथ में तो 64,000 रुपीज तक यहाँ पे प्राइसिंग रहने वाली है विद एयरपॉड्स। तो यहाँ पे विद एयरपॉड्स अगर हम देखें तो 65,000 रुपीज वर्थ होने वाले हैं। 10,000 एक्स्ट्रा डालने की जरूरत है या फिर नहीं, मैं आप लोगों को वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पे जो है कैमरा में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे डायगनल कैमरा सेटअप हम लोगों को आईफोन 13 में देखने के लिए मिल रहा है, प्लस कैमरा में एक्चुअली में जो है एप्पल ने बहुत सारी इंप्रूवमेंट करी है। हम लोगों ने कल से बहुत सारी यहाँ पे जो है अनबॉक्सिंग देखी है, बहुत सारे कैमरा टेस्ट देखे हम लोगों ने यहाँ पे, तो वहां पे एक्चुअली पता चल रहा है कि एप्पल ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है इस बार कैमरा पे, चाहे वो फोटोग्राफिक स्टाइल हो, सिनेमैटिक मोड और बहुत सारी ऐसी चीजें आई है, चाहे वो कैमरा स्टेबिलाईजेशन ही क्यों ना हो, क्योंकि आईफोन 13 में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कैमरा से रिलेटेड। अगर आपको कैमरा यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है तो 10,000 रुपीज आप लोग जो है आंख बंद करके पे कर सकते हो और आईफोन 13 यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन आप लोगों को फिर जो है यहाँ पे एयरपॉड्स फ्री देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अब आप लोगों को यहाँ पे डिसाइड करना है कि आईफोन 12 के साथ एयरपॉड्स चाहिए या फिर नहीं चाहिए, या फिर आईफोन 13 में आप लोगों को नया लुक चाहिए डायगोनल कैमरा वाला, साथ में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आईफोन 12 के साथ आप लोगों को जो है यहाँ पे 64GB वाला जो है वेरिएंट देखने के लिए मिलता है, वेयर एज इन आईफोन 13 आप लोगों को वहाँ पे 128GB बेस स्टोरेज देखने के लिए मिलती है। तो एयरपॉड्स तो साथ में मिल रहे हैं, लेकिन साथ में आपको जो है एक्स्ट्रा 64GB देखने के लिए नहीं मिलेगी, जो कि आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे जो है आईफोन 13 सीरीज में देखने के लिए मिलती है। फाइनल चीज यहाँ पे अब ये है कि आपको कौन सा परचेज करना चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा कि आपको यहाँ पे जाना चाहिए आईफोन 12 के साथ, और वो भी आपको यहाँ पे जाना चाहिए एयरपॉड्स के साथ। अगर आप यहाँ पे आईफोन 12 128GB वेरिएंट लेते हो एयरपॉड्स के साथ, तो आपको जाके पड़ेगा वो अराउंड 68 या फिर 69,000 रुपीस का। तो आपको एयरपॉड्स भी मिल गए, 128GB की बेस स्टोरेज भी मिल गई आपको यहाँ पे आईफोन 12 के साथ, लेकिन वहाँ पे आईफोन 13 में आपको जो है एयरपॉड्स नहीं मिलेंगे। 5G दोनों में मिलता है आपको, सेरेमिक शील्ड दोनों में देखने के लिए मिलती है, बस डायगनल कैमरा सेटअप है और यहाँ पे वर्टिकल कैमरा सेटअप है और थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स। बस ये थे मेरा यहाँ पे आईफोन 11 वर्सेस आईफोन 12 वर्सेस आईफोन 13 बिल्कुल शॉर्ट और क्रिस्प में मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पे क्या क्या होने वाला है और किसके साथ आपको यहाँ पे जाना चाहिए। आईफोन 13 सिर्फ वही लोग परचेस करना जिनके पास डबल द अमाउंट है, क्योंकि आपको जो है यहाँ पे एयरपॉड्स भी परचेस करने हैं। अगर एयरपॉड्स का मन है यहाँ पे, अगर एयरपॉड्स ऑलरेडी है, तो फिर आंख बंद करके आईफोन 13 के साथ जा सकते हो। और जो मैंने आप लोगों को प्राइसिंग बताई यहाँ पे सेल पे, वो 110% होने वाली है। बस वेट करो, 7th अक्टूबर को जो है यहाँ पे बिग बिलियन डे सेल स्टार्ट हो रही है और होपफुली अमेजोन की सेल भी जो है इसी टाइम पे स्टार्ट होगी। तो बस आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 30 सब्सक्राइबर्स हम लोगों ने कंप्लीट करने हैं। कागज को डाउनलोड कर लेना, आपके आईफोन के लिए बेस्ट ऐप होने वाला है यहाँ पे कागज। वीडियो को लाइक भी कर देना, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, गुड बाय।